ये तस्वीरें पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की हैं। पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी इन तस्वीरों ने, जिनमें पीएम मोदी स्नॉर्कलिंग और समंदर किनारे वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील भी की है। पीएम मोदी की इस अपील के बाद गूगल पर लक्षद्वीप को काफी लोग सर्च करने लगे। दरअसल लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप काफी खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप मालदीव के काफी करीब है। लक्षद्वीप और मालदीव में काफी समानताएं भी हैं। हालांकि इन दोनों में एक बड़ा अंतर भी है। वो अंतर है देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का। बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में मानी जाती है। यहाँ काफी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। दुनिया भर के लोग मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। भारत में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग मालदीव जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में लाखों की संख्या में लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। बता दें कि साल 2023 में करीब 2,10,000 लोग मालदीव पहुंचे थे। वही साल 2022 में यह आंकड़ा 2,40,000 से भी ज्यादा था। वैसे तो लक्षद्वीप में भी देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन मालदीव की तुलना में ये संख्या काफी कम है। भारत से मालदीव घूमने जाने वाले लोगों के लिए लक्षद्वीप काफी बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षद्वीप भारत में है। गौरतलब हो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का काफी योगदान है। भारतीय पर्यटक भी मालदीव की जीडीपी में अहम योगदान देते हैं, इसलिए पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का जियोपॉलिटिकल महत्व भी काफी है। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के मुकाबले चीन के काफी नजदीक माने जाते हैं। चीन के इशारे पर मोहम्मद मुइजू मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने की बात भी कह चुके हैं। मोहम्मद मुइजू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय सेना को वापस भेजने का मुद्दा उठाया था। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि विकास के पक्षधर है वो और दोनों देशों के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। मुइजू को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का करीबी माना जाता है। बता दें कि यामीन के समय ही चीन और मालदीव के रिश्ते गहरे हुए थे। पीएम मोदी की लक्षद्वीप घूमने की अपील भी इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थित ट्यूलिप गार्डन को लेकर अपील की थी, पीएम मोदी की अपील के बाद ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई थी। टाइम्स नाउ ने भारत डिजिटल की रिपोर्ट।